इंदौर में गर्मी की शुरुआत होते ही आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही है। राव थाना क्षेत्र के बहुमंजिला पपाया ट्री होटल में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद होटल में ठहरे 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि आज सुबह 7 बजे अचानक से आग लग गई, जिसके कारण होटल के ऊपरी मंजिलों में सो रहे लोगों को फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बचाया। जहां एक ओर फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर राव पुलिस की टीम द्वारा रहवासियों के साथ मिलकर ऊपरी मंजिल में रुके लोगों को बचा रही, जिसमें एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह रघुवंशी द्वारा पूरी टीम के साथ ऊपरी मंजिल पर रुके लोगों को कंधे पर बैठाकर नीचे उतारते नजर आ रहे हैं, जिसमें इस भयानक आगजनी की घटना में तत्परता से यदि कार्रवाई नहीं की जाती तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। फिलहाल पूरे मामले में फायर एसपी का कहना है कि जिस तरह से होटल में निर्माण किया गया है, उसमें किसी भी तरह की फायर सुरक्षा नजर नहीं आई, क्योंकि आग लगते ही ऑटोमेटिक फायर के यंत्र संचालित हो जाते हैं। हमको कंट्रोल में 6:50 छूटने में लिए कि राव चौराहे पे होटल अस्पताल में आग लगी, ये बताया था। कितने लोग बचे हुए थे? इसमें लोग हमारे 8 लोग हमने रेस्क्यू करके निकाला, बाकी लोग जितने रूम में निकले काउंट नहीं है। काउंट पंचनामा बनाने के बाद पता चला कितने लोग इस होटल में रुके हुए थे। कहां के लोग ये सब साउथ के लोग थे। नीचे स्पीकर से सूचना दी गई, भाई घबराओ मत, नीचे सीलिंग में आग लगी है, बुझ जाएगी, बुझने के बाद धुआं निकलेगा, तुम धुआं से तुम ऊपर छत पर ले जाओ। हमारे सब इंस्पेक्टर और एक जवान और मैं ऊपर गए, तो 2 महिला एक डॉक्टर थी, उसको छत पर ले गए, वो शांति रही। बताया जा रहा है कितने टैंकर पानी लगे और कहाँ का पानी टैंकर अभी काउंट नहीं किया, पंचनामे के बाद काउंट करेंगे तो बस पता लगेगा कितने टैंकर। सावे रोड में भी लेके कंपनी प्लास्टिक में आग लगी थी, वो भी कंट्रोल हो गई है। दो इसमें लक्ष्मी नगर एक टैंकर और गांधी आगे 2 टैंकर और सावे रोड की 2 गाड़ी भेजी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। जो 8 लोग घायल हुए हैं उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इंदौर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।